नमस्कार दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है। महंगाई ने 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, मगर बड़ा प्रश्न ये कि जिस मीडिया और जिस सत्तारूढ़ पॉलिटिकल पार्टी के प्रचार तंत्र ने देश की जनता का दिमाग इस कदर ब्रेन वॉश कर दिया है कि क्या अब उसके लिए महंगाई मायने रखती है। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल के लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। मगर मैं आपको बतलाने वाला हूं खबर क्यों पड़ी है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये खबर देखिए, 24 साल बाद रिकॉर्ड स्तर पर महंगाई। खबर क्या कहती है, 1998 के बाद पहली बार थोक महंगाई 15% से ऊपर निकली। और जैसे कि आप इस ग्राफिक में देख सकते हैं दोस्तों, लगातार अप्रैल महीने से ही डबल डिजिट्स पर थोक महंगाई दर रही है। आप देख सकते हैं अप्रैल में ये 10.74% था, फिर आप मई में देख सकते हैं 13.11% पर पहुंचता है, फिर जो है सितंबर में आकर ये 10.66% पर आता है। मगर लगातार आप देखते हैं बढ़ता जाता है और अब ये आ पहुंचा है 1998 के रिकॉर्ड पर। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि ईंधन पेट्रोल जो है उसके दामों में बिल्कुल भी कमी नहीं आ रही है। जी हां, रहस्यमय तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम चुनावों के वक्त जो है वो कम हो जाते हैं, मगर जब ऐसा वक्त आता है तब ये जैसे के तैसे बने रहते हैं और लगातार बढ़ते जाते हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं ये खबर क्यों बड़ी है और क्यों आम इंसान को इसकी परवाह होनी चाहिए, क्यों इस तरह से थोक महंगाई दर जो है वो लगातार बढ़ रहा है आपके स्क्रीन्स पर। ईंधन और ऊर्जा ने बढ़ाई महंगाई। अप्रैल महीने में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 8.35% रही, जो मार्च 2022 में 8.06% पर थी। यानी कि आप देख सकते हैं अप्रैल और मार्च में किस तरह से जो है वो महंगाई दर खाद्य वस्तुओं की बढ़ रही है और वह आप बाजार में भी देख सकते हैं। आगे मैं आपको बतलाने वाला हूं कि सब्जियों और फलों के दामों में किस तरह का परिवर्तन आया। आगे क्रूड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के लिए अप्रैल में इन्फ्लेशन 69.07% था, वहीं फ्यूल और पावर की महंगाई दर बढ़कर 38.66% पर जा पहुंची, जो मार्च 2022 में 34.52% पर थी। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की महंगाई दर अप्रैल में 10.85% रही, जो मार्च 2022 में 10.71% पर आ गई है। अब मैं आपको इस तस्वीर के जरिए बतलाने वाला हूं दोस्तों कि किस तरह से फल, सब्जी और दूध महंगा हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं आलू के दाम में करीब 20% की उछाल और महंगाई आई है, 19.84%। फलों की बात करें तो इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं 10.89%, यानी करीब 11% की जो है वो उछाल आई है। गेहूं की बात करें, मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, गेहूं ने 2010 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, पिछले करीब 13 साल का रिकॉर्ड गेहूं की महंगाई ने तोड़ दिया और आप देख सकते हैं उसमें महंगाई करीब 10.10% की आई है। अब हम अनाज की बात करें, यानी कि गेहूं के अलावा बाकी जो अनाज है उसकी हम बात करें तो उसमें 7.80% की उछाल आई है। और अंत में दूध के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। मगर आज ये सवाल पूछा जाना बहुत जरूरी हो जाता है, 2014 से पहले जब भी महंगाई बढ़ती थी तब विपक्ष जो है सड़कों पर उतरता था, आपको याद है मैडम स्मृति ईरानी तो सिलेंडर लेके निकल जाया करती थी। आज विपक्ष उस पर प्रदर्शन कर रहा है, मगर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही चतुराई से जो वाद विवाद का विषय है, बहस का जो विषय है या संवाद का विषय है, उसे पलट दिया है। आज तमाम न्यूज चैनल्स चर्चा इस बात पर नहीं कर रहे हैं कि थोक महंगाई दर 15% के आंकड़े को पार कर चुकी है। इस वक्त उनके तमाम बड़े बड़े पत्रकार जो हैं ज्ञान व्यापी पहुंच चुके हैं, काशी पहुंच चुके हैं, वो लोग वहां पर तैनात हैं, वहां से वो कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारा जो लाचार विपक्ष है वो ऐसे डिबेट्स में शामिल होकर कहीं ना कहीं राजनीतिक संवाद में भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है। आज किसी न्यूज चैनल का जो फोकस है महंगाई पर नहीं है, जो लगातार मैं आपको बतला रहा हूं, बेरोजगारी पर नहीं है। आप में से कई लोग मुझे संदेश भेजते हैं
कि अभिसार जी हम विद्यार्थी इस चीज की परीक्षा दे रहे हैं, उसका नतीजा नहीं आया, उसमें धांधली हुई, ये मुद्दे उठाइए। मैं तो हमेशा वो मुद्दे उठाता हूं। आपको खुद से सवाल पूछना पड़ेगा कि जो सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है और आपको अनर्गल मुद्दों में भटका कर रखना चाहती है, उस सरकार के बारे में आपकी क्या राय है? उस सरकार, उस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? दिक्कत यह है दोस्तों कि एक अरसे से, और यह नहीं कि पिछले 4-5 महीने से, एक अरसे से मास मीडिया के जरिए जिस तरह से आम जनता को ब्रेन वॉश किया गया है, आम जनता की सोच को भटकाया गया है, अब मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दे मायने रखते हैं। जनता महंगाई का सामना कर रही है मगर मीडिया उसे नहीं उठाना चाहती। मुख्य धारा का मीडिया, मुख्य धारा के अखबार जो करोड़ों घरों तक पहुंचते हैं, उसमें इसकी चर्चा ही नहीं है। मेरे जैसे पत्रकार इस मुद्दे को जरूर उठाते हैं मगर आपको ताज्जुब होगा कि इन मुद्दों को उठाने के लिए आप में से कई लोग गंदी गंदी गालियां, फब्तियां जो हैं मेरे जैसे पत्रकारों पर जो हैं कसते हैं। मगर साहब एक बात स्पष्ट है, मुद्दे हम वही उठाते हैं जिसका सीधा सरोकार आम इंसान से होता है और वही मुद्दे पत्रकारों को भी उठाने चाहिए। अगर आज की तारीख में मुख्य धारा के न्यूज चैनल्स इस खबर को नहीं उठा रहे हैं कि थोक महंगाई दर जो है वो 15% के आंकड़े को पार कर चुकी है, तो ये दिक्कत उनकी है, ये मजबूरी उनकी है। हो सकता है कि वो सत्तारूढ़ पॉलिटिकल पार्टी के सामने मजबूर हैं मगर मैं मजबूर नहीं हूं। ये मुद्दे हम जरूर आपके सामने उठाते हैं और उठाते भी रहेंगे। ये ना भूलें कि धार्मिक मुद्दों का अपना एक इतिहास रहा है और देश ने उसकी कीमत चुकाई है। आज ज्ञानव्यापी मस्जिद जहां पर मौजूद है, वहां पिछले 213 सालों से दंगे नहीं हुए, आजादी के बाद यहां पर माहौल शांत रहा है। मगर भारतीय जनता पार्टी नेता संगीत सोम यह कह रहे हैं कि जिस तरह से 1992 में बाबरी का अंजाम हुआ था, परिणाम हुआ था, वही हश्र ज्ञानव्यापी का होने वाला है। 2022 वही ज्ञानव्यापी के लिए होगा। यह अपने आप में बहुत ही खतरनाक बयान है क्योंकि जब दंगा होता है इससे किसी को फायदा नहीं है, ना हिंदू को ना मुसलमान को, सब इसकी कीमत चुकाते हैं। और ये ना भूलें कि अगर ऐसी कोई बड़ी घटना होती है या उसकी कोई आशंका जताता है तो समानांतर तौर पर क्या हो रहा है जिसका जिक्र अभी अभी मैंने किया, महंगाई 24 साल के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। इस सरकार के पास कोई जरिया नहीं है महंगाई के इस दंश से, इस शाप से देश की जनता को बाहर निकालने का। और दूसरी तरफ हम लोगों को धमका रहे हैं। 1990 में क्या हुआ था? 1990 में अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राम रथ यात्रा निकाल दी थी। वो राम रथ यात्रा, आडवाणी जी की वो राम रथ यात्रा, जहां जहां से गुजरती थी वहां वहां दंगे होते थे और आखिरकार बिहार से पहले लालू प्रसाद यादव ने उन्हें रोक दिया। बिहार में दंगे नहीं हुए मगर वो राम रथ यात्रा जहां जहां से होकर गुजरी वहां दंगे होते रहे। समाज बुरी तरह से विभाजित हो गया। मगर जानते हैं फर्क क्या था उस वक्त? उस वक्त फर्क यह था कि मीडिया जहरीला प्रचार नहीं कर रही थी। मैं नहीं भूला हूं कि जब बाबरी गिराया गया था या उस वक्त जब दंगे हो रहे थे, उस वक्त जो मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, तो उस दौरान मैं नहीं भूला हूं कि केंद्र सरकार ने ढेरों ऐसे विज्ञापन, ढेरों ऐसे सामाजिक संदेश के विज्ञापन जारी किए थे जिसमें एकता का संदेश था। मैं नहीं भूला हूं वो तमाम फिल्म स्टार्स एक साथ मिल गए थे और वो गाना था कि सुन 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 मेरे नन्हे सुन, सुन 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 मेरे मुन्ने सुन, देश में एका रहे प्यार की गंगा बहे। वो गाना था दोस्तों जिसमें तमाम बड़े बड़े फिल्म स्टार्स नजर आए थे। तो उस वक्त सरकारें गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं अपनाती थी, मीडिया दंगा नहीं भड़काती थी और तब ये दंगे हुए थे। आज हालात बदल गए हैं, आज मीडिया रेडियो रवांडा बन चुकी है, मीडिया दंगे भड़काने का काम करती है। सत्तारूढ़ पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि जब तक इस तरह से दंगे ना भड़काए जाएंगे उन्हें वोट्स नहीं मिलेंगे, या कम से कम अगर हिंदुओं और मुसलमानों में तनाव पैदा नहीं किया जाएगा इन्हें वोट्स नहीं मिलेगा।
तो ये जो दोनों चीजें हैं ना, एक तो सत्तारूढ़ पॉलिटिकल पार्टी का रवैया कि हिंदुओं और मुसलमानों में लगातार तनाव बनाए रखना, दूसरी तरफ मीडिया और न्यूज चैनल्स के भड़काऊ कार्यक्रम, ये जो कॉकटेल है वो बहुत ही खतरनाक कॉकटेल है। और तीसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, ये जब तमाम चीजें मिल जाती हैं ना तो देश एक बहुत बड़े नुकसान की तरफ देख रहा है। भूल गए अपने पड़ोसी को, श्रीलंका को। श्रीलंका में हालात बदतर हैं। परसों ही उनके प्रधानमंत्री ने कहा कि बस एक दिन बचा है, उसके बाद पेट्रोल खत्म हो जाएगा। भारत उन्हें लगातार डीजल सप्लाई कर रहा है, किसी तरह से उनकी जान बची हुई है। उनके फॉरेन रिजर्व्स बर्बाद हो गए हैं दोस्तों, फॉरेन रिजर्व्स ही नहीं बचे हैं। और वहां पर भी क्या हो रहा था, श्रीलंका में भी यही हो रहा था, क्योंकि वहां की सरकार भी सिन्हला राष्ट्रवाद के नाम पर मुसलमानों को टारगेट कर रही थी, तमिलों को टारगेट कर रही थी, माइनॉरिटीज को टारगेट कर रही थी। श्रीलंका की संसद में उनके एक राजनेता ने एक बहुत बेहतरीन भाषण दिया दोस्तों, और यह भाषण श्रीलंका में आए तूफान, श्रीलंका में आए संकट से पहले का है। इस भाषण में राजनेता यह कह रहा है कि आप मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कभी तमिलों पर निशाना साधते हैं, कभी मुसलमानों पर निशाना साधते हैं, कभी ईसाइयों पर निशाना साधते हैं, मगर देश एक बहुत बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा है। मैं चाहूंगा आप श्रीलंकन राजनेता को सुने, संसद के अंदर इसने बहुत पहले चेतावनी दे दी थी, सुनिए। टुडे योर स्पेंडिंग ऑन डिफेंस, ऑनरेबल प्रेसाइडिंग मेंबर, इफ आई एम नॉट mistaken, 10.35% of the grow of the of your annual budget, 10.35% in a situation where there is no war. Who is your enemy? No country has attacked Sri Lanka. No, your enemy is within. You consider your own citizens enemies. Why? Because you don't want to recognize their rights. You rather kill them. You rather wage war against them than have them become productive citizens and contribute to the growth of this country. It was the Tamils. You spent 32 years, much longer actually. Your defense policy is based on making sure that the Tamils don't get their rights. Your foreign policy is based on making sure the Tamils don't get their rights. But you thought you were done with it. After 32 years of war, now you are picking another enemy. This time it's the Muslims. This time it's the Muslims. You're radicalizing the Muslims. Why you need that? You need the bogeyman to continue your racist and corrupt policies, where only you lie in your pockets, not the citizens of this country. And now you continue to militarize. Why? Because today you need to militarize to make sure to protect you against your own Sinhalese. Because he's the common man today who's being targeted. That is the truth. आज मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इस व्यक्ति ने अपनी सरकार को चेतावनी दी थी, मेरे जैसे पत्रकार, कई अन्य राजनेता लगातार सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को यह चेतावनी दे रहे हैं, ये खेल खेलना बंद कीजिए। आपको वोट्स जरूर मिल रहे हैं, मगर देश को जबरदस्त नुकसान पहुंच रहा है, देश की आत्मा पर दरार पड़ रही है, देश की सोच पर दरार पड़ चुकी है। मगर शायद बीजेपी को लगता है कि जब तक इन मुद्दों को ना उठाया जाए तब तक आम जनता उससे थोक महंगाई दर पर सवाल नहीं करेगी, पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दाम की पर सवाल नहीं करेगी। और जैसा कि मैंने आपको ये तस्वीर दिखाई थी कि फलों और सब्जियों के दाम की क्या हालत है, इन चीजों पर सवाल नहीं करेगी। यही वजह है कि चर्चा ज्ञानव्यापी की हो रही है, मगर महंगाई को लेकर जनता का ज्ञान नहीं बढ़ाया जा रहा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।